हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम एडियम्स एंड फ्रेजेस की यूज कैसे किए जाते हैं, उसमें निहित अर्थ क्या होता है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। 134 फील दी पल्स, नब्ज महसूस करना, मतलब किसी के विचार को जानना, यानी उसके विचारों को जानने का प्रयास करना। फील दी नब्ज ड्यूरिंग द एक्साइटिंग मैचेस, उत्तेजित मैचों के दौरान। द बाउलर फील द पल्स, गेंद फेंकने वाला किसी के विचार को जानने का प्रयास करता है कि सामने वाले का क्या मानसिक चीजें हो सकती हैं। फील द पल्स, किसी के विचार को जाना। ड्यूरिंग द एक्साइटिंग मैचेस, उत्तेजित मैचेस के दौरान। द बाउलर फील द पल्स, गेंदबाज जो होते हैं वो विचारों को जानने का प्रयास करते हैं, अंदर की बात को जानने का प्रयास करते हैं। फॉर गुड, हमेशा के लिए। आई एम लिविंग दिल्ली फॉर गुड, मैं दिल्ली के लिए सदा सदा के लिए रवाना हो रहा हूं। आई एम लिविंग दिल्ली फॉर गुड, मैं दिल्ली सदा सदा के लिए छोड़ रहा हूं, सदैव के लिए छोड़ रहा हूं। फाइट साई आप बचते रहना, फाइट साई आप बचते रहना। बारोवर्स जनरली फाइट साई ऑफ द लेंडर्स, उधार लेने वाले अक्सर साहूकारों से बचते रहते हैं। बारोवर्स उधार लेने वाले जनरली फाइट साई ऑफ द लेंडर्स, साहूकारों से उधार देने वालों से बचते रहते हैं। गो बाय द बुक, वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स। गो बाय द बुक, किताब के अनुसार चलना, मतलब नियम के अनुसार पालन करना। वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स, नियमानुसार कार्य करना। डू नॉट बी सेल्फ अवेयर, आत्म इच्छा वाला मत बनो। डू नॉट बी सेल्फ विल्ड, गो बाय द बुक, कर आत्म इच्छा वाला मत बनो बल्कि नियम के अनुसार काम करो। गो बाय द बुक, गो आउट ऑफ वन्स वे, गो आउट ऑफ वन्स वे। वर्क इन ए डिफरेंट कोर्स, भिन्न प्रकार से कार्य करना। वर्क इन ए डिफरेंट कोर्स, भिन्न प्रकार से कार्य करना। गो आउट ऑफ योर वे एंड यू विल अचीव सक्सेस। गो आउट ऑफ योर वे, यानी भिन्न प्रकार से कार्य करो एंड यू विल अचीव सक्सेस, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। 139 गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। टैलेंट टू परसुएट, टैलेंट टू परसुएट, विश्वास में लेने की प्रतिभा, किसी को प्रभावित करने की प्रतिभा। इट इज नीड लेस फॉर यू, यह तुम्हारे लिए बेकार की बात है। टू आर्ग्यू विथ हिम, उससे बहस करना तुम्हारे लिए बेकार की बात है, व्यर्थ की बात है। ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, उसे विश्वास में लेने की प्रतिभा है। एंड वुड परसुएड एवरी पर्सन इन टू हिज फेवर, और हर व्यक्ति को अपने पक्ष में वो कर लेगा। मतलब गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब टैलेंट प्रतिभा होना, टू परसुएड किसी को समझा देना, विश्वास में लेने की प्रतिभा होना। इट इज नीडलेस फॉर यू टू आर्ग्यू विथ हिम, उससे तर्क करना, उससे बहस करना आपके लिए बेकार की बात है। ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, उसे प्रतिभा हासिल है, वह इतना बुद्धिमान है। एंड वुड परसुएड एवरी पर्सन इन टू हिज फेवर, हर व्यक्ति को अपने पक्ष में मिला लेगा। 140 गार्ड ऑफ लॉयल्स, गार्ड ऑफ लॉयल्स, मेक द अटमोस्ट प्रिपरेशन, मेक द अटमोस्ट, पूर्ण रूप से तैयारी करना। गार्ड ऑफ द लॉयल्स, गार्ड ऑफ द लॉयल्स का मतलब मेक द अटमोस्ट प्रिपरेशन, सर्वोच्च तैयारी करना, पूर्ण तैयारी करना, पूर्ण रूप से तैयारी करना। द एनिमीज हैव सेट देयर वल्चर आइज, शत्रुओं ने अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ा दी है। द एनिमीज हैव सेट देयर वल्चर आइज ऑन आवर बॉर्डर्स, हमारी सीमा पर।
the enemy शत्रुओं ने have set their vulture eyes अपने गिद्ध दृष्टि गड़ाई है on our borders हमारे सीमा पर we must grip up अपने guard up we must guard up we must guard up we must guard up the lands to fail their attempt उनके प्रयास को असफल करने के लिए हमें पूर्ण तैयारी करनी चाहिए we must guard up the lands हमें पूर्ण तैयारी करनी चाहिए to fail their attempt get the shot of something or somebody get the shot of something or somebody छुटकारा पा लेना I got the shot of meeting my friend. मैं अपने मित्र से मिलने के लिए छुटकारा पा चुका I got the shot of meeting my friend when I visited Chandigarh. जब मैं चंडीगढ़ का भ्रमण किया तो मैंने अपने मित्र से छुटकारा पा लिया I got the shot of meeting my friend when I visited Chandigarh. Go back कहाँ पूरा ना कर पाना मोरक मुकर जाना You cannot go back on your work. तुम अपने काम को पूरा नहीं कर सकते If you are not punctual, अगर तुम नियमित नहीं हो Go back on काम तो पूरा ना कर पाना You cannot go back on your work. तुम अपना काम पूरा नहीं कर सकते If you are not punctual, अगर तुम नियमित नहीं Get the better of पराजित करना Get the better of पराजित करना India got the better of Pakistan. India got the better of Pakistan in the world T20. विश्व T20 में इंडिया ने भारत को पाकिस्तान को हरा दिया 144 हैंड एंड ग्लोब विथ हैंड एंड ग्लोब वेरी इंटीमेट टर्म्स घनिष्ठ संबंध होना हैंड एंड ग्लोब विथ जैसे हाथ का ग्लोब से रिश्ता होता है माय ब्रदर इज हैंड एंड ग्लोब विथ एवरीबॉडी इन हिज ऑफिस मेरा भाई अपने कार्यालय में सभी से घनिष्ठ है माय ब्रदर इज हैंड एंड ग्लोब विथ एवरीबॉडी इन हिज ऑफिस हार्ड एंड फास्ट निश्चित हार्ड एंड फास्ट निश्चित डेफिनेट निश्चित है There are some hard and fast rules. Of the road. There are some hard and fast rules of the road. Hand to mouth. Just enough money. केवल उतना ही रुपया होना to fulfill basic needs. ताकि मौलिक जरूरतें पूरा यानी मौलिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही धन होना There is no use. आप asking money from Jatin, Jatin से रुपया मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है As he is always hand to mouth, इसलिए कि उसके पास केवल जरूरत भर का रुपया होता है There is no use of asking money from Jatin, Jatin से रुपया मांगने की कोई आवश्यकता नहीं As he is always hand to mouth, इसलिए कि उसके पास केवल निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही रुपया होता है धन्यवाद